लखीमपुर खीरी की विधानसभा धौरहरा के विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने क्षेत्र के गेहूं क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें क्रय केंद्रों पर विभिन्न खामियां मिली, जिस पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र प्रभारियों को जल्द व्यवस्था में सुधार की बात कही। विधायक ने केंद्र प्रभारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह सरकार की मंशा अनुसार कार्य व किसानों की फसल नहीं खरीदते हैं तो वह कार्रवाई के लिए तैयार रहे। निरीक्षण के दौरान क्रय केंद्र पर मौजूद किसानों ने भी विधायक के सामने अपनी समस्याओं को रखा। गेहूं क्रय केंद्र पर विधायक के निरीक्षण के दौरान एसडीएम राम प्रकाश व तहसीलदार भी मौजूद रहे। केंद्र है जी पहाड़ियापुर में, पहाड़ियापुर में एडीओ कोऑपरेटिव, एडीओ कोऑपरेटिव साथ में आए हैं, एडीसीओ आए हैं, एसडीएम साहब आए हैं, तहसीलदार साहब आए हैं, यहाँ सारे अधिकारी आए हैं। हम लोग यहाँ जो है खरीद देख रहे हैं, किसानों को क्या सुविधाएं दे रहे हैं, कितना गेहूं खरीद रहे हैं। यहाँ 10-5 क्विंटल गेहूं कमरे में बंद है, कांटा पर जो है वो पंखा रखा है, कोई खरीद केंद्र का कोई कर्मचारी इनका नहीं है, न कोई पल्लेदार है, न पानी पिलाने वाला है, न यहाँ बाजार में कांटा लगाया गया जिस पर खरीद होगी, कुछ नहीं। कमरा बंद था, जब आए हैं सब लोग तब कमरा खुला है।